और सोशल मीडिया पल 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 की खबरें पहुंचा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ की हालत देखी नहीं जा रही है, और जितनी भी फलाही तंजीमें इसमें काम कर रही हैं, मेरी तमाम आवाम से अपील है कि दिल खोल कर उनके साथ मदद की जाए जितना हो सकता है। अलखिदमत के रज़ाकार, अलखिदमत के जितने भी लोग हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि वो काम कर रहे हैं। और मैं ख़ुद चूँकि असातिज़ा बरादरी से हूँ और तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और तमाम असातिज़ा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तहसील उग्गी में हमने असातिज़ा के साथ हम गए, असातिज़ा के पास हम गए और ये असातिज़ा आपके सामने खड़े हैं कि असातिज़ा ने और बच्चों ने दिल खोल कर तावन किया है और इसमें मदद की है। यह आप देख भी सकते हैं ताजर बरदरी का जिस तरह जिक्र किया है सरबुलंद खान ने, तो मैं उनका भी मशकूर हूँ। और मेरी असातिज़ा से ये गुजारिश है, सेक्रेटरी एजुकेशन ने 5 दिन का अपनी तनख्वाह का ऐलान किया है और 1 दिन हमारी के किया है, तो मेरी सेक्रेटरी एजुकेशन से दरख्वास्त है कि हमारी भी 5 दिन की करें लेकिन अलखिदमत को दे दें ताकि आवाम का हक आवाम तक पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया शाह साहब आए हैं। ये नाजिक शाह साहब हैं, मशहूर कमेंटेटर और हाई स्कूल कुलक्का से। तो अभी मैंने जिक्र किया था कि असातिज़ा, लेकिन असातिज़ा आगे आए हुए हैं माशाल्लाह, असातिज़ा भी हमारे साथ धूप में घूम रहे हैं और ये देखें चंदा कलेक्ट कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए। तो मैं अपने असातिज़ा को और स्कूल के बच्चे जो हैं वो भी कर रहे हैं, तावन कर रहे हैं, उनके माँ बाप वालदेन भी कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो मैसेज उलमाए कराम और असातिज़ा दे सकते हैं इस कौम को, शायद कि कोई दूसरा बंदा दे सके। मैंने अभी जिक्र भी किया था और उसकी अमली मिसाल आप देख लें कि असातिज़ा इस वक्त धूप में और इस चलचलाती धूप में अपने भाइयों के लिए इंशाल्लाह निकले हुए हैं। बाकी बात आपसे सैयद नाजिक शाह साहब ही करेंगे, हमारे टीचर भी हैं जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया अदा करता हूँ ताजर बरादरी का अपने जो हमारे साफ़ी भाई हैं और ख़िदमत का, इनके साथ ये सलीम साहब हैं, सुलेमान साहब हैं। गुज़श्ता से पेवस्ता रोज़ ये दोनों हज़रात हमारे पास गए थे, लेकिन इनके जाने से पहले मैंने अपने हेडमास्टर साहब से बात की थी कि जी चूँकि जब हम पे जलजला आया था तो सारा पाकिस्तान उमड़ आया था, इस उगी में ऐसे लग रहा था कि जी सारा पाकिस्तान उगी वालों की ही मदद करने के लिए आया है। अल्हम्दुलिल्लाह जलजला में हम इतने ज़्यादा मुतासर नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी पूरे पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे पंजाब के लोगों ने हमारी बहुत बड़ी मदद की थी। तो हमारी बात हुई उस इसी दौरान ये दोनों हज़रात भी पहुँचे, इन्होंने कहा जी हम बच्चों से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आपकी बात करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह आपको इसका अजर अजीम अता फ़रमाए और इंशाल्लाह ये हमारा अपना प्रोग्राम भी है। चूँकि हम जिस जो हमारा स्कूल है कुलेका वो इंतहाई बैकवर्ड एरिया है और इंतहाई गुरबत है, तो ये जिस तरह भी सलमान भाई बात कर रहे थे रात को, सेक्रेटरी एजुकेशन साहब ने भी मोहतरम बिल्ला शाह ने भी कहा है कि जी मैं अपनी 5 दिन की तनख्वाह, तो वो तो चूँकि हमारे टीचर्स की 1 दिन की तनख्वाह भी उन्होंने चूँकि वो वक्फ़ कर रखी है इसके लिए, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज टीचर्स ने भी तावन किया है, स्कूल के हमारे बच्चों ने भी किया है, और जो स्पेशली मेरे पास जो क्लास है उसमें 7 दिन तक मुसलसल बच्चों की जो पॉकेट मनी है वो बच्चे जो इंशाल्लाह वो मुझे देंगे और इंशाल्लाह यहाँ पे इंशाल्लाह लाएंगे। इसके अलावा जो भी मैसेज होता है मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ, और बाकी इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ें जिस तरह के बाकी जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं उनकी भी ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह वो अगर खिदमत उनको मैनेज कर सकती है वो चीज़ें भी लाएँगे। और इसके अलावा जहाँ भी अलखिदमत है या बाकी तंजीमें, मैं इनमें कोई फ़र्क नहीं समझता, मेरी तरफ़ से सारी तंजीमें जितनी भी हैं, एदी है, अंसार बरनी ट्रस्ट है, या इसके अलावा अगर कोई सियासी जुमात करती है, गैर सियासी जुमात करती है, ऐवान तजारत करती है, बिल्कुल ये नेकी का काम है, हमें सब पर एतमाद है। क्योंकि ये चौक में बैठे हुए हैं तो इंशाल्लाह मैं जी जो आज हमने ये मामूली सी कोशिश थी, चूँकि महीने का बिल्कुल एंड है, बच्चों के ज़ाहिर जो पेरेंट्स हैं उनकी भी जो उजरत होती है वो भी महीने के शुरू में होती है, ये 16,220 रुपये ये मैं आज लाया हूँ जी, और ये हमारे सदारत के जो जी हाँ जी इनके मैं हवाले करता हूँ जी, ये हवाले बिल्कुल 16,220। हम तंजीम असातिज़ा की तरफ से और स्कूल के बच्चों की तरफ से इंतहाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने पॉकेट मनी से ये पैसे इकट्ठे करके अलखिदमत फाउंडेशन को पेश किए।
अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। मैं बच्चों को सलाम है उन नन्हे-मुन्ने मुजाहिदों को कि उन्होंने अभी ये रसीद कटवा रहे हैं और ये देखें एक बुज़ुर्ग को ये 10 रुपए इन्होंने लाए लेकिन माशाल्लाह। तो ये बच्चों को हमारा सलाम है कि उन्होंने अपनी पॉकेट मनी जमा की है। तो इकबाल साहब आखिरी पैगाम आप दें।